हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम आईआर कर रहे थे, जिसमें आज हम करने वाले हैं एन ओवरव्यू ऑफ 20th सेंचुरी आईआर हिस्ट्री। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसके पीछे के रीजंस क्या थे, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखो, 28 जून 1914 में ऑस्ट्रिया के प्रिंस जब सर्बिया में ट्रेवल कर रहे थे, तो उस समय उनका मर्डर कर दिया गया था। मर्डर का आरोप किस पर लगा था? ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर लगाया। इसके बाद क्या हुआ? ऑस्ट्रिया हंगरी ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के अगेंस्ट वॉर अनाउंस कर दिया। इस इंसिडेंट ने सबसे पहले तो यूरोप को और बाद में पूरे वर्ल्ड को वॉर की तरफ धकेल दिया। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय यूरोप के 2 पावरफुल एम्पायर्स फैक्शंस आमने सामने थे। जो सबसे पहला जो ग्रुप था वो था अलाइड पावर्स कहा गया, और जो दूसरा था वो था सेंट्रल पावर्स, यानी कि मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियाँ। ठीक है, जो मित्र राष्ट्र यानी कि अलाइड पावर्स में थे, मेन कंट्रीज़ कौन कौन सी थी, उसमें रशिया था, फ्रांस था, ब्रिटेन था। जो दूसरा था यानी कि केंद्रीय शक्तियाँ जहाँ पर थी, यानी सेंट्रल पावर्स की जब हम बात करें, तो उनमें जर्मन था, ऑस्ट्रिया हंगरी था और इटली भी उसमें शामिल था। अलाइड पावर्स जो थी वो सर्बिया के साथ में थे, जबकि जो सेंट्रल पावर्स थी वो ऑस्ट्रियाई हंगरी के साथ थी। इटली जो पहले सेंट्रल पावर्स के साथ था, वो 1915 में अलाइड पावर्स के साथ हो गया था। इसी तरीके से अमेरिका जो वो पहले क्या बात कर रहा था कि वो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल बना रहेगा, लेकिन 1917 में अलाइड पावर्स के सपोर्ट में वो वॉर में कूद पड़ा। अब क्या हुआ, 1917 में ही रशिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था, जिसके बाद क्या हुआ, कम्युनिज्म रशिया ने वॉर से खुद को अलग कर लिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर खुद ही यानी कि रशिया में खुद ही एक रिवॉल्यूशन चला था, जिसकी वजह से वो वॉर में और पार्ट नहीं ले पाया। अब क्या हुआ, नवंबर 1918 में जर्मनी ने सरेंडर कर लिया, और इसी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। अब हम कुछ इसके कॉजेज जानेंगे। सबसे पहला रीज़न है नेशनलिज्म। देखो, जब कहीं पर भी कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा होने लगती है तो वो ज़रूर नुकसान करती है। तो फ्रांस की जब क्रांति हुई, उसने पूरे यूरोप में नेशनैलिटी की जो इमोशंस है उसको बहुत ज़्यादा जगाया, जिसने आगे चलकर किस तरीके का एक रूप दिखाया, एक बहुत ज़्यादा रेडिकल रूप उसने दिखाया। इसी तरीके से नेशनैलिटी का जो इवोल्यूशन बढ़ने लगा, कैसे बढ़ने लगा और कहाँ कहाँ पर बढ़ने लगा, जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड जैसे देशों के साथ साथ यूनान, सर्बिया, ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे देशों में भी तेज़ी से हुआ। नेशनैलिटी के कारण लोगों में बहुत ज़्यादा पैट्रियाटिज्म की जो फीलिंग है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, जिसकी वजह से पूरी यूरोप का जो एटमॉस्फेयर है वो बिगड़ने लगा। तो ये एक रीज़न है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है इंपीरियलिस्ट रिवेलरी। देखो, जब बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म देखा जाने लगा, बहुत ज़्यादा उग्र राष्ट्रवाद देखा जाने लगा, इसके बाद जो यूरोपियन कंट्रीज थे उसमें इंपीरियलिज्म की जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगी, और इसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने काफ़ी हेल्पफुल रोल प्ले किया। क्योंकि इसी के साथ क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज़ ने प्रोडक्शन के जितने भी एरियाज होते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रोग्रेस कर ली थी, और अब उन्हें मार्केट की ज़रूरत होती थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन भी देखे गए, किनके बीच ब्रिटेन, इटली, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इन्हीं देशों में लगातार जो है स्ट्रेस देखा जाने लगा, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर भी देखा गया। नेक्स्ट रीज़न है इकोनॉमिक कंपटीशन। देखो, 19th सेंचुरी में इंग्लैंड और 20th सेंचुरी में इटली, जर्मनी, फ्रांस, रूस, इन देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो एरियाज़ होते थे इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस देखी गई। ठीक है, अब इन्हें क्या चाहिए थे, इन कंट्रीज़ को क्या चाहिए थे, मार्केट चाहिए इन्हें, और रॉ मटेरियल की इन्हें बहुत ज़्यादा तलाश होती थी, यानी कि वो ये चीज़ें ढूंढने लगे थे। ठीक है, जिसकी वजह से अफ्रीका और एशिया के जितने भी एरियाज थे उनमें आपस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देखा गया। इन्हीं तरीके के इकोनॉमिक कंपटीशन की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा गया। ठीक है, नेक्स्ट रीज़न है मिलिट्री ट्रीटी। देखो, बिस्मार्क के लीडरशिप में जर्मनी की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अब 1870 to 1871 में फ्रांस को इसने हरा दिया था। फ्रांस को इसका बदला लेना ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा नेचुरल है, कि अब तो बदला लेना ही है, फ्रांस ने सोच लिया था, और ये बात बिस्मार्क भी जानता कि अब वो रिवेंज ज़रूर ज़रूर लेगा, यानी कि फ्रांस अब रिवेंज लेना ज़रूर चाहेगा। इसी को ध्यान में रखकर उसने क्या किया, फ्रांस को बिना बताए, यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि फ्रांस को ये चीज़ पता चली, लेकिन कई सारे उन्होंने क्या किया, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उसके साथ
कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि समझौता किया। 1882 में ऑस्ट्रिया हंगरी इटली और जर्मनी के बीच ट्रिपल अलायंस हुई, जिसके अकॉर्डिंग फ्रांस के थ्रू अगर आक्रमण करने पर दोनों देशों ने एक दूसरे की हेल्प करने का प्रॉमिस किया कि अगर फ्रांस अगर हमला करता है तो दोनों देश एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो वो प्रॉमिस किया उन्होंने आपस में, ठीक है। और इस फैक्शन की वजह से भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत मानी गई। ओके, नेक्स्ट कॉज है न्यूज़पेपर्स। देखो, न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स का भी इन सब में बहुत ज़्यादा रोल देखा गया है। किस तरीके का? नेगेटिव रोल। न्यूज़पेपर्स क्या करते हैं, न्यूज़ चैनल्स वाले क्या करते हैं, ज़्यादातर नेगेटिविटी ही दिखाने की कोशिश करते हैं किसी भी कंट्री के लिए, जिनसे क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है और लोग वही देखते हैं जो न्यूज़ चैनल्स में दिखाया जाता है और उसी पर विश्वास करते हैं, जिससे क्या होता है बहुत ज़्यादा लोग पैट्रियाटिज्म की जो उनकी फीलिंग है बढ़ने लग जाती है, उग्र राष्ट्रवाद जो है ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से वॉर की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थे कॉजेज। अब हम जानेंगे इमिडिएट कॉज के बारे में। देखो, जितने भी हमने इंसिडेंसेस अब तक पढ़े हैं, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या कॉजेज थे, पूरा यूरोप जो है एक बारूद की तरह अब खड़ा हो चुका था, जिसे बस एक चिंगारी की ज़रूरत थी। तो आखिरकार अब क्या हुआ, 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस थे, फर्डिनेंड उनका नाम था, और उनकी वाइफ सोफिया की बोस्निया में उनका मर्डर कर दिया गया था, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ, बोस्निया सर्बिया की हेल्प से जल्द ही बहुत ज़्यादा फ्री हुआ था, और ऑस्ट्रिया ने इस मर्डर का जो आरोप है वो किस पर लगाया, सर्बिया पर लगाया, और उसे वॉर के लिए वॉर्न कर दिया। जर्मनी ने भी ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करने की बात की कि वो जर्मनी जो है सपोर्ट करेगा ऑस्ट्रिया को। जब अटैक किया गया, उस अटैक करने से पहले ही 26 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को कुछ मांगों के साथ 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें से ज़्यादातर जो मांगी थी सर्बिया मानने को रेडी हो गया था, लेकिन रूस के थ्रू हेल्प देने का कोई भी आश्वासन मिलने के साथ ही सर्बिया के जो भी चीज़ें थी, वो जिस तरीके से देख रहा था चीज़ों को, उसमें कई तरीके के चेंजेस देखे गए। अल्टीमेटम के पूरा होते ही 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर अटैक कर दिया। सो फ्रेंड्स, ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे का इमिडिएट कॉज। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज की जो वीडियो में मैंने मेन फोकस किया है वो उसमें मेजर कॉजेज पर किया है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। इसके आगे की जो भी चीज़ें हुई हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर यानी पार्ट 2 में क्लियर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।